अमीरो आजमगढ़ मुबारकपुर थाना परिसर में शनिवार को कमिश्नर कनक के पास हुए डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने बैठक कर अपने मातहत अधिकारियों को निर्देश दिया ताकि लॉकडाउन का पालन करने के साथ साथ मुबारकपुर नगर पालिका परिषद के सभी वार्डों में राशन सब्जी फल की होम डिलीवरी की व्यवस्था दें ताकि लोग असुविधा से बचें। किसी को भी जमाखोरी हुए अधिक रेट पर सामान बेचने पर उसके खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज दिया जाएगा। सरपुदी आज में की रिपोर्ट। मार्क करवा दीजिए कश्मीर बीच में जामा मस्जिद राजा मुबारक शाह का मैदान है, बड़ा जो है अभी कमिश्नर महोदया के साथ मैंने मुबारकपुर कस्बे का दौरा किया। कुछ शिकायतें मिली थी खाद्य पदार्थों से संबंधित कि कुछ का कृत्रिम संकट बताया जा रहा है। उसी के क्रम में यहाँ पर एसडीएम सीओ इंस्पेक्टर ईओ और आरएफसी के साथ हम सभी लोगों ने बैठक की है। एक इसको स्ट्रेटजी बनी है कि होम टू होम डिलीवरी हो, सबको फल और सब्जी की सप्लाई उनके घर के सामने हो। अभी ये लोग सब्जी मार्केट से इस कस्बे में एक जगह से खरीदते थे तो स्वाभाविक रूप से भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती थी। तो कल से ये व्यवस्था लागू रहेगी, होम डिलीवरी होगी। इसके साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी प्रकार की राशन का खाद्यान्न का कोई संकट नहीं है। अगर किसी प्रकार से कोई ऐसी शरारत व्यापारी कर रहा है या ओवर रेटिंग करके बेच रहा है तो उसकी शिकायत करें, तत्काल उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करके जेल भेजने की भी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।